हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अडोब फोटोशॉप की मदद से आप अपनी JPG इमेज को PDF बना सकते हो। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है। अब आपको जाना है फाइल मेन्यू में और सिलेक्ट करना है ऑटोमेट, और ऑटोमेट में सिलेक्ट करना है PDF प्रेजेंटेशन, जिससे आपके सामने ऐसा एक बॉक्स आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको ब्राउज में जाकर अपनी सारी फाइल ओपन कर लेनी है। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है और फिर ओपन कर लेना है। जिसको आप एक PDF फाइल बनाना चाहते हो, फाइल को ओपन कर लेने के बाद आपको यहां पर सेव पर क्लिक करना है और आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है जहां आप अपनी PDF फाइल को सेव करना चाहते हो। और यहां से नीचे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप जो देना चाहो, और फिर सेव पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने एक और बॉक्स आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहां से PDF फाइल का क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहो तो हाई भी रख सकते हो और लो भी रख सकते हो, बाकी के ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट रहने देना है, और फिर नीचे यहां पर सेव PDF पर क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोसेस खत्म हो गया है। अब देखते हैं हमने जिस लोकेशन में सेव किया था वहां पर जाकर PDF फाइल को। ये देखिए दोस्तों, ये एक वेडिंग का एल्बम है जो कि अब PDF फाइल में बन गया है। आप ऐसे ही अपनी किसी भी फाइल को PDF में बना सकते हो, एकदम इजी और फास्ट। दोस्तों आज के वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।